हाय गाइस, सो हमने डेटा सेट क्रिएट करने में दो चीज़ें पढ़ ली हैं. सो वी हैव डन एपीआईस एंड वी हैव डन वेब स्क्रैपिंग. इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द थर्ड वे ऑफ क्रिएटिंग अ डेटा सेट. समटाइम्स इन योर कंपनी यू मे फाइंड योर सेल्फ इन अ सिनेरियो वेयर यू हैव टू फेच डेटा डायरेक्टली फ्रॉम योर डेटा बेस. ओके, सो दिस इज द थर्ड सिनेरियो where you will create a data set using a database. Okay, so in our case the data set is a MySQL database. Okay, this is a MySQL database and you have to fetch data from this database and you have to create a data frame. Okay, data wahi hai, CampusX wala hi data hai, tum log ka data hi hai, tum hi log ka users ka data, evaluations ka data, tasks ka data hai. So the first thing that you need to do is you need to first install this library mysql.connector. okay, so you will write this piece of code, pip install mysql.connector, right, or run this. Obviously you need internet because download hoga. Mere case mein it's already downloaded, so requirement already satisfied batayega. तुम्हारे केस में इंस्टॉल हो जाएगा. सो थोड़ा वेट कर रहे हैं. ओके, थोड़ा टाइम लग रहा है. मीनवाइल व्हाट आई विल डू इज, या सो ओके, सो समहाउ उसने दोबारा इंस्टॉल किया. सो इट्स ए सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड mysql.connector. ओके, देन यू विल इंपोर्ट दिस पैकेज mysql.connector, and then what you have to do is you have to write one line of code using which you will connect your Python code to your database, and this is the line. So mysql.connector जो अपना मॉड्यूल है उसमें कनेक्ट बोल के एक मेथड होता है और उसमें हम लोग को चार चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले यू हैव टू प्रोवाइड द होस्ट नेम, बेसिकली द आई पी एड्रेस और द यू आर एल ऑफ दैट कंप्यूटर where your database is located. okay, in our case it is AWS, so humne ye url dal diya. tum log ko bhi jab task milega to tumko ye same url use karna hai. us particular url pe tumhara username kya hai aur tumhara password kya hai, aur database, since ek particular database server pe there could be multiple databases, tum kaun se database pe kaam kar rahe ho, right. shift enter. ओके, लेट्स सी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था. ओके, सो ये हो गया. देन व्हाट वी विल डू इज, हम लोग डेटाबेस से इंटरैक्ट करने के लिए एक कर्सर ऑब्जेक्ट बनाते हैं. ठीक है, सो व्हाट यू डू इज यू क्रिएट अ कर्सर. कर्सर इज बेसिकली अ क्लास इन पाइथन यूजिंग विच यू कैन टॉक टू अ MySQL डेटाबेस और इन जनरल एनी डेटाबेस. ओके, सो MySQL विल बी इक्वल टू दिस ऑब्जेक्ट. जब हमने कनेक्ट किया तो हमको जो भी रिटर्न आया हमने उसको MySQL DB में डाल दिया. सो अगर तुम इसका टाइप निकालो तो तुमको पता चल जाएगा दैट इट्स बेसिकली अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट. सो MyDB इट्स अ MySQL कनेक्शन ऑब्जेक्ट. ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, जस्ट वन सेकेंड, हम क्या कर रहे हैं कि हम एक नया वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नाम है माई कर्सर, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू MyDB, मेरा कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट, देर इज दिस मेथड कॉल्ड कर्सर. ओके, सो आई विल राइट कर्सर. ओके, और जस्ट वन सेकेंड, कर्सर, और इसको रन करेंगे तो नाउ इफ यू कैन, इफ यू डू टाइप ऑफ माई कर्सर यू विल फाइंड आउट कि जो तुमने बनाया है वो एक माई सीक्वल कर्सर ऑब्जेक्ट है. ठीक है, कर्सर ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता, कर्सर ऑब्जेक्ट को यूज करके ही तुम डेटाबेस से बात करते हो. जितने भी ऑपरेशंस तुम परफॉर्म कर रहे हो डेटाबेस के ऊपर उसके लिए तुमको कर्सर ऑब्जेक्ट चाहिए होता है. सो अगर तुम पाइथन को यूज़ करके वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, फ्लास्क यूज़ करके, इवन देन यू विल बी यूजिंग द सेम थिंग. तो ये थोड़ा सा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट, नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं तुमको एक बार डेटाबेस दिखाता हूँ, डेटाबेस दिख कैसा रहा है. सो मैंने तुम्हारे लिए एक सैम्पल डेटाबेस क्रिएट किया है इस पर्टिकुलर टास्क के लिए. इसको डेमो डीबी बोला है हम लोग, बोल रहे हैं इसको डेमो डीबी बोल रहे हैं, और इसमें फिलहाल तीन टेबल्स हैं, इवैल्यूएशन, टास्क एंड यूजर्स. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट टेबल, यूजर्स. इसी सेम डेटा पे तुमने हैकाथॉन में भी काम किया था,
ये सारे कॉलम्स हैं, यूज़र आईडी, बैच आईडी, एफ नेम, एल नेम, ईमेल एंड सो ऑन. सिमिलरली हमारे पास एक और टेबल है टास्क बोल के, टास्क आईडी, टास्क टाइप, टास्क नेम, मॉड्यूल आईडी एंड एक्सेट्रा. एंड देन उस टास्क में उस यूज़र का स्कोर कितना है, टास्क आईडी एंड यूज़र आईडी, इवैल्यूएशन टेबल. ठीक है, ये तीन अपने पास टेबल्स हैं. सो सी, हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना करेंगे कि मैं तुमको डेटाबेस से डेटा लाना सिखा दूंगा. ठीक है, बट आई विल गिव यू अ टास्क कि उस डेटा से तुमको डेटा फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, APIs में भी किया था, वेब स्क्रीपिंग में भी किया था. सो आई विल जस्ट शो यू हाउ टू फेच डेटा फ्रॉम अ MySQL डेटाबेस. ओके, सो ध्यान से देखो. सो वी आर फेचिंग डेटा फ्रॉम लेट्स से यूजर्स टेबल. ओके, सो उसका कोड कैसा रहेगा, तुम ये लिखोगे माई कर्सर, तुम्हारा कर्सर ऑब्जेक्ट, इसके अंदर एक मेथड होता है एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट के अंदर तुमको रन करना पड़ता है अपना SQL क्वेरी. आई गेस अगर तुम डेटाबेसेस पढ़े हो तो तुमको पता होगा RDBMS जो सिस्टम्स होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, उसमें तुमको कभी भी अगर डेटाबेस से कुछ भी बात करना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना है या फिर कुछ इंफॉर्मेशन देना है, तो आपको SQL यूज़ करना पड़ता है. SQL इज़ द लैंग्वेज टू टॉक टू डेटाबेसेस. SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ओके, सो अगर तुमको एक पर्टिकुलर डेटाबेस का सारा डेटा चाहिए, एक पर्टिकुलर टेबल का सारा डेटा चाहिए, तो उसके लिए क्वेरी ये होता है, ध्यान से देखना, सेलेक्ट टेबल का नाम, यूजर्स, एक्चुअली सेलेक्ट वट एवर कॉलम्स यू नीड. सो मैंने एस्ट्रिक लगाया, मतलब ऑल द कॉलम्स, सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम दिस टेबल यूजर्स. ओके, और इतना करने के बाद तुमको बस ये लिखना होता है माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, नॉट एग्जीक्यूट, आई एम सॉरी, फेच ऑल. मतलब होगा क्या कि जैसे ही तुम्हारा ये क्वेरी रन करेगा तो वहाँ के सारे रोज आ जाएंगे, तो तुम बेसिकली उनको फेच कर रहे हो. ठीक है, एंड ये रहा, सी दिस इज इट. एक लिस्ट के अंदर हर यूजर का डिटेल इज इनसाइड अ टपल. ठीक है, सो जितने भी यूजर्स हैं हमारे डेटाबेस में वो सब यहाँ पर दिख जाएंगे. इनफैक्ट व्हाट आई विल डू इज, एक काम करता हूँ मैं, जो भी डेटा वहाँ से आ रहा है उसको मैं डेटा में स्टोर करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे डेटा को प्रिंट करके दिखाता हूँ. सो इफ यू प्रिंट डेटा, दिस इज अ लिस्ट. इफ यू डू टाइप, यू विल नोटिस द टाइप ऑफ डेटा इज अ लिस्ट. ठीक है, सो इफ यू राइट लेंथ ऑफ डेटा, तो यू विल फाइंड आउट देयर आर टोटल, इन टोटल 93 स्टूडेंट्स. ओके, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट कि उनका डिटेल क्या है, तो तुम लूप चला सकते हो, फॉर आई इन डेटा, एंड यू कैन सिंपली प्रिंट आउट आई. और ये देखो, सिंस अब बहुत बड़ा डेटा है, ये रहा एक यूज़र, उसके बाद दूसरा यूज़र, फिर तीसरा यूज़र, ऐसे करके सबको ही प्रिंट हो जाएगा. लेट्स से मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रिंट करना है, तो आई विल शो यू कि एफ नेम और एल नेम कॉलम्स है, इसी में स्टोर्ड है हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम. सो व्हाट वी विल डू इज, इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई, व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली काउंट कि कौन से पोजीशन पे आ रहा है वो. सो दिस इज टपल, सो टपल के अंदर दिस इज जीरो पोजीशन, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. ओके, सो आई विल प्रिंट आउट सेकेंड कॉमा आई का थर्ड, एंड यू कैन सी सारे यूजर्स का यहाँ पे लिस्टिंग हो गया. ठीक है, सो आई गेस एक टेबल से डेटा निकालना सीख गए. ओके, अब देखो मैं तुमको टास्क क्या देने वाला हूँ, एक बार टास्क देख लो, उसके बाद आगे का तुमको मैं दिखाता हूँ कि क्या करना है. सी, तुम्हारा टास्क रहेगा कि तुमको एक डेटा फ्रेम बनाना है, यू हैव टू मेक अ डेटा फ्रेम जिसमें एक सिंगल डेटा के अंदर यूज़र का नाम होगा, टास्क का नाम होगा, उस टास्क में उस यूजर ने कितने मार्क्स स्कोर किए ये होगा, लेट सबमिशन था कि नहीं ये होगा, विनर था कि नहीं ये होगा, और इसके अलावा कुछ चीज़ें और होंगी, जैसे कि टोटल मार्क्स कितने थे उस टास्क में ये होगा, और आई गेस कुछ नहीं होगा. सो बेसिकली इतना डिटेल तुमको निकालना है. यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट
name, which will include both F name and L name. Second, you have to provide this column, task name. Ye, by the way, task table mein milega. Then you have to fetch score, jo evaluation table mein milega. By the way, ye name tumko user table mein milega. Users table mein milega. Uske baad tumko fourth number pe dikhana hai ki late submission hai ki nahi. Ye bhi tumko evaluation mein milega. Fifth tumko nikalna hai winner tha ki nahi. Ye bhi evaluation mein milega. Sixth tumko batana hai ki total marks kitne the us task mein. Ye tumko milega task table mein. ठीक है, एंड दैट्स इट. तुमको एक नया डेटा फ्रेम बनाना है जिसमें आज तक कैंपस एक्स में जितने भी सबमिशंस हुए हैं उन सब का, वो सारे सबमिशंस हमारे नंबर ऑफ रोज बन जाएंगे और ये सिक्स कॉलम्स होने चाहिए. एंड ऑब्वियसली देर शुड बी वन आईडी, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा. ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा तुमको ये बनाने जब तुम जाओगे, तो यू विल नोटिस कि डेटा इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स, राइट? तो मैंने ये तो दिखा दिया कि एक टेबल को कैसे लाना है. अब टू बी ऑनेस्ट, तुम यहाँ से भी कर सकते हो, मतलब कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा और उस कॉन्कैटिनेट नहीं आई एम सॉरी मर्ज करना पड़ेगा. दैट कुड बी वन अप्रोच. और द सेकेंड अप्रोच इज़ कि तुम डायरेक्टली MySQL के ऊपर ज्वाइन परफॉर्म करो. सो आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. लेट्स से मुझे ये दिखाना है कि यूज़र का नाम क्या है और टास्क आईडी क्या है और उस टास्क आईडी में उसके मार्क्स कितने. मैं तीन कॉलम्स अगर दिखाना चाहूँ तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जॉइन द यूजर्स टेबल एंड द इवैल्यूएशन टेबल. तुम लोगों को ऑब्वियसली तीन चीज़ों को जॉइन करना पड़ेगा. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल राइट अ क्वेरी जॉइन करने के लिए. और जॉइन करने का क्वेरी इज समथिंग लाइक दिस. यू वॉन्ट द एफ नेम, यू वॉन्ट the task id and you want the score. ठीक है, हम कौन से दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं? हम लोग यूजर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें हम लोग को बस एफ नेम चाहिए. और हम लोग इवेल्युएशन को ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें हमको टास्क आई डी चाहिए और हमको चाहिए उसका स्कोर. ठीक है, अब ज्वाइन करने का सबसे बेस क्राइटेरिया बिल्कुल मर्ज की तरह है. ठीक है, ज्वाइन करने का क्राइटेरिया इसकी कोई एक कॉलम कॉमन होना चाहिए. तो यहाँ पर यू कैन नोटिस कि इवेल्युएशन में भी यूजर आई डी है और यूजर्स में भी यूजर आईडी है. तो हम जो ज्वाइन करेंगे वो हम यूजर आईडी के ऊपर करेंगे. सो व्हाट वी विल राइट इज सेलेक्ट एफ नेम, टास्क आईडी एंड स्कोर फ्रॉम इवैल्यूएशन. और इवैल्यूएशन को एक नाम दे देते हैं ई. ठीक है, और फिर हम लिखते हैं ज्वाइन यूजर्स. हम यूजर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और यूजर्स को एक नाम दे दिया यू. और फिर हम कंडीशन बताते हैं ज्वाइन का. एंड द कंडीशन फॉर ज्वाइन इज यू डॉट यूजर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू e dot user underscore id. ठीक है, और बस उसके बाद कुछ नहीं करना है. हमको लिखना है my cursor dot execute और हम ये क्वेरी को पास कर देंगे. ठीक है, और उसके बाद हम एक डेटा ले लेंगे. डेटा विल बी इक्वल टू MyCursor dot fetch all since there are going to be multiple rows. और अब मैं क्या करूँगा, from actually I'll write for I in data, I'll simply print out I. और ये देखो, ये रहा सब कुछ. So there is the student भावना, उसने task ID 16 में 29 स्कोर किया था. चंद्रमा task ID 1 में उसने 32 स्कोर किया था. ठीक है, so मैंने डेटा निकालना सिखा दिया. अब तुम्हारा काम है तीनों टेबल से डेटा लाना है और ये छः कॉलम्स का एक डेटा फ्रेम बनाना है, उसको गिटहब पे अपलोड करना है और टास्क में सबमिट करना है. ठीक है, सो इसके साथ ही हम लोग का ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, क्रिएटिंग डेटा फ्रेम्स. नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग EDA और उसके बाद फीचर इंजीनियरिंग एंड दैट सेट. उसके बाद विल मूव ऑन टू मशीन लर्निंग. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.